नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराए जाने का निर्णय हुआ है। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जयदीप जी, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो आश्चर्य इस बात का है कि ऐसा पहले नहीं होता था। क्या किसी आदेश या निर्णय के बाद ही केंद्रीय संस्थान, छोड़िए देश की हर इमारत पर तिरंगा लहराना चाहिए, क्यों नहीं लहराना चाहिए? और उसके लिए अगर हमें दिक्कत है, आदेश 15 अगस्त 26 जनवरी को तो हम सब फहराते ही हैं, उसके अलावा जो सरकारी या निजी इमारतें हैं उन पर अगर तिरंगा फहराया जाता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। खासतौर पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अगर कहा गया है, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर जेएनयू के विवाद के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है और इसके पहले ऐसा नहीं होता था तो दुखद था, ऐसा होना ही चाहिए। कुछ बातें बुनियादी होती हैं जिन पर कोई बहस, चर्चा, मुबाहिस की आवश्यकता नहीं होती है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। यूनियन जैक को उतारकर इस तिरंगे को ऊपर चढ़ाने के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, कितने लोगों की शहादत लगी है, और ये तिरंगा किस तरीके से आसमान में गर्व से लहरा पा रहा है, कितने अनुमंतप्पाओं की जाने अभी तक गई है इस तिरंगे को उसी तरीके से शान से लहराता हुआ देखने के लिए, इन सब बातों में मुझे लगता है पढ़ने का वक्त नहीं है। अच्छा निर्णय है, अगर ऐसा पहले नहीं होता था तो ये आश्चर्य की बात है। उसके आगे जाकर कुछ प्रतीक हैं और वो भले ही प्रतीक हों पर वो आवश्यक हैं। या तो आप, जो हम पहले बात करते आए हैं, राष्ट्र राज्य की अवधारणा से दूर जाना चाहते हैं तो विश्व को एक कुटुंब मान लीजिए, सारे झंडे खत्म कर दीजिए, मानवता के झंडे तले आ जाएंगे। वो मानवता का झंडा कौन लाएगा? अगर वो मानवता का झंडा आता है तो वो नारा हम बहुत पहले दे चुके हैं, हमने उस नारे के साथ अपनी संस्कृति को चलाने का प्रयास किया, वो संस्कृति हमें दुनिया पर कब्जा जमाती हुई, दुनिया पर हावी होती हुई दिखाई दी, जो शायद राष्ट्र राज्य की कल्पनाओं को ही साकार करना चाहती थी। तो हमें भी फिर अपने राष्ट्र और राज्य के ध्वज तले खड़े होकर राष्ट्रभक्ति के इन प्रतीकों का सम्मान करना होगा, क्योंकि हमारे सारी जो मुल्क की अवधारणा है आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद, वो इस तिरंगे से जुड़ी हुई है, वो अशोक चक्र से जुड़ी हुई है। तो फिर हम इन सब प्रतीकों को नहीं मानेंगे तो किस तरीके से राष्ट्रभक्ति हम प्रदर्शित कर पाएंगे, ये भी बताएं लोग। क्या राष्ट्रीय प्रतीकों को नए सिरे से गढ़ने की आवश्यकता है? ये बहुत अहम सवाल है। इस पर मैं काफी समय तक संपादकीय लिखता रहा हूं, बात करता रहा हूं। कुछ प्रतीकों को छूने की हमने हाल के समय में कोशिश भी की है, उन प्रतीकों को बहुत मजबूती के साथ स्थापित करना होगा। देखिए, पूरी जो हमारी राष्ट्रभक्ति की अवधारणा है हिंदुस्तान की, उसमें दो बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक हमने गढ़े हैं राष्ट्रभक्ति के। एक तो यह है कि जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई हमको बचपन से पढ़ाई समझाई सिखाई जाती है कि वो एक उच्च कोटि का बलिदान था राष्ट्र के लिए, क्योंकि हम अंग्रेजों को इस भारत से भगा देना चाहते थे, वो हम पर कब्जा किए हुए थे, हमें गुलाम बनाए हुए थे, हमें उनके आदेश निर्देश पर चलना पड़ता था और बहुत ही यंत्रणा त्रासदी जिंदगी हमने अपनी जमीन पर अपने घर में जी है, हम अपने ही घर में पराए हो गए थे। तो जिसने भी इस राष्ट्र को आजाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी वो उच्च कोटि का राष्ट्रभक्त था, है और रहेगा। गांधी हो, लोकमान्य तिलक हो, भगत सिंह, राजदेव, सुखगुरु, मदनलाल ढींगरा से लेके चाफेकर बंधु तक, जो कोई भी नाम हमारे जहन में आते हैं वो सभी उच्च कोटि के राष्ट्रभक्त हैं और उनके बलिदान को हम नमन करते हैं, क्योंकि आज हम आजाद हिंदुस्तान में उनकी वजह से ही सांस ले रहे हैं। दूसरी हमारे जहन में उच्च कोटि की राष्ट्रभक्ति जो घर करी है वो ये है कि सीमा पर जाकर देश के लिए कुर्बानी देना, बलिदान देना बहुत उच्च कोटि की राष्ट्रभक्ति, क्योंकि हमने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध देखा, 62 का चीन का युद्ध देखा, और उसके बाद लगातार हमारे मन में सैनिकों के लिए एक सम्मान आया कि यार ये सरहद पर नहीं होंगे तो हमारी जो भारत की एकता अखंडता है वो कायम नहीं रह पाएगी, हम उसको अक्षुण्ण नहीं रख पाएंगे। तो सैनिकों के लिए हमारे मन में एक बड़ा सम्मान है। तो हम ये मानते हैं कि जो सीमा पर जाकर देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जान दे रहा है, वो सबसे बड़ा राष्ट्र, निसंदेह वो है। लेकिन उसके आगे जाकर एक राष्ट्र के रूप में हम वहां तक क्यों नहीं पहुंच पाए जहां पर हम दुनिया के अन्य राष्ट्रों को, जो तथाकथित रूप से विकसित भी हैं, उनको देखते हैं, या हमारा सामाजिक जीवन अपने राष्ट्र प्रेम में गुथा बंधा हुआ क्यों नहीं है? उसका एक बड़ा कारण यह है कि हम ये मानते हैं कि राष्ट्रभक्ति का सारा ठेका तो सीमा पर लड़ने वाले उन जवानों का है। हम सड़क पर कचरा फेंकेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम टैक्स की चोरी करेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम रिश्वत खाएंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए जो भ्रष्टाचार की विषबेल इस देश में पनी पड़ती है, जिसके खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हुआ लेकिन उसका नतीजा नहीं निकल पाया, सामान्य जीवन में हमने कुछ बहुत बुनियादी खलक बातों को स्वीकार कर रखा है कि हम अपने घर में तो मार्बल लगाएंगे, ग्रेनाइट लगाएंगे, लेकिन पड़ोसी के घर में कचरा फेंकेंगे, ये सब इसलिए आया है कि हमने इसको राष्ट्र प्रेम से नहीं जोड़ा है। छोटी सी बात यहाँ पर और जोड़ना चाहूंगा कि हमको राष्ट्र प्रेम की परिभाषा तब सीखने को मिलती है जब मैं खुद जर्मनी गया था, गलती से जो हमारे यहाँ संस्कार हमारे अंदर है उसके तहत सिंहफल खाकर उसका जो बचा हुआ टुकड़ा है जब जमीन पे फेंका था तो जर्मनी के एक साथी ने उसको उठाकर कूड़ेदान में डाला था और कहा था कि ये राष्ट्रद्रोह है। कि अगर आप आज हमारे यहाँ राष्ट्रद्रोह की परिभाषा पर इतना विवाद हो रहा है
एक वहां राष्ट्रभक्ति हमने देखी है कि वो कहता है कि आप सड़क पर कचरा भी फेंक रहे हैं तो देश के, और क्यों सही लगती है मुझे, क्योंकि अगर हम स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे, नारा देंगे, उससे तो भारत स्वच्छ नहीं हो जाएगा ना। अगर हम अपने राष्ट्र से सचमुच प्रेम करते हैं और हमें लगता है कि जितना चमकदार सिंगापुर है, जितना चमकदार यूरोप की गलियां हैं, उतना ही चमकदार हिंदुस्तान की गलियां, तो इनको खराब किसने किया है? पान की पीक कौन बाहर फेंकता है? चाट की दुकानों पर चाट खाकर दोने कौन हवा में उछालता है? लाल बत्ती पर निकल जाना कौन शान समझता है? बगल की गाड़ी वाले को ढकेलते हुए आगे बढ़ जाना कौन सही मानता है? टैक्स नहीं चुकाने को कौन सही मानता है? रिश्वत खाने को कौन सही मानता है? हम सब तो, हम अगर तिरंगा लेकर सड़क पर दौड़ पड़ेंगे तो केवल उससे राष्ट्र, हम वो नहीं करेंगे तो गलत है। कुछ बुनियादी बातें हैं, तिरंगे का सम्मान होना चाहिए, राष्ट्रध्वज सब जगह शान से फहराया जाना चाहिए, लेकिन राष्ट्रभक्ति के प्रतीकों को उससे आगे बढ़ाना होगा। क्या ऐसा नहीं लगता कि हम राष्ट्रवाद को अपने हिसाब से या अपनी सुविधा के हिसाब से परिभाषित कर लेते हैं? ये बहुत, अभी खास तौर पे जेएनयू विवाद के परिप्रेक्ष्य में तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। कोई कह रहा मुझे किसी से राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मैं मेहनत करता हूं देश के लिए और मैं किसी के प्रमाण पत्र का, अरे भाई कोई आपसे प्रमाण पत्र नहीं मांग रहा है, कोई आपकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल या निशान नहीं लगा रहा है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि अब जो 217 फीट का झंडा लगाने की बात की जा रही है तो ऊंचाई पे जो झंडा लगेगा वही राष्ट्रभक्ति का नाप है, पैमाना, वो नहीं है। पर क्या इतना भी नहीं करेंगे हम? क्या इन बुनियादी बातों को कर देने से हम छोटे हो जाएंगे, नीचे हो जाएंगे, गिर जाएंगे? कोई आपके गिरेबान में हाथ डालकर आपको राष्ट्रभक्त होने का कोई लिए ललकार नहीं रहा, आपकी राष्ट्रभक्ति को नहीं ललकार रहा है। वो मजदूर जो खेत में मशीनों के साथ काम करता है, जो खेत में मजदूरी करता है, वो किसान और अपनी नौकरी समय पर पूरी करने वाला व्यक्ति या चौराहे पर खड़ा हुआ ट्रैफिक का जवान भी उतना ही राष्ट्रभक्त है जितने बाकी सब हैं, उनसे किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। पर जब हमारे देश के खिलाफ नारे लग रहे हों, जब तिरंगे को अपमानित किया जा रहा हो, तो क्या उस वक्त जरूरी नहीं कि हम सब अपनी राष्ट्रभक्ति को उस पैमाने पर ले जाए जहां पर इनकी आवाजें छोटी पड़ जाए, दब जाए, ये लोग डर जाए और देश को तोड़ने का किंचित भी ख्याल इनके मन में हो तो वो समाप्त हो जाए? इसके लिए आप इस तरह के बोलेंगे कि आप हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हो, आप हमारे राष्ट्रभक्ति, कोई नहीं ललकार रहा भैया, पर कोई आपके देश को जरूर चुनौती दे रहा है, ललकार रहा है। वो खड़े होकर कह रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्या हम इसको सुन के अपने रगों में दौड़ने वाले खून को शांत बने रहने देंगे? तो राष्ट्रभक्ति को सब अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, सब कुछ राष्ट्रभक्ति है, बल्कि वो ज्यादा उच्च कोटि की राष्ट्रभक्ति है जब आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहे हैं, ईमानदारी से देश की सेवा कर रहे हैं, कीजिए, वो सब नियमित रूप से हमें करना है। लेकिन कुछ बिरले प्रसंग होते हैं, भारत को आजादी दिलाना एक बिरला प्रसंग था, लोगों को समझ में आया कि हम गुलाम हिंदुस्तान में भी बहुत से लोग अच्छे से जी रहे थे, बहुत से लोग अंग्रेजों की नौकरियां कर रहे थे, सिविल सर्विसेज अंग्रेजों के समय होती थी, क्या जरूरत थी सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेजों की सिविल सर्विस छोड़ने की और आजाद हिंद फौज बनाने की? सुखी जिंदगी जीते, तनख्वाह मिलती अंग्रेजों की, लोगों ने राय बहादुर की और पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां और उपाधियां ली अंग्रेजों से और उनके जमाने में बढ़िया नौकरियां की, मुनीम की, दीवान की। कुछ दीवाने थे जिनको लगा कि इनकी नौकरी करते हुए जिंदगी निकाल देना ठीक नहीं है, मुझे अपने मुल्क को आजाद कराना है। ऐसे ही हम अपनी देशभक्ति लगातार दिखा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदारी, लेकिन जब कोई हमारे यहाँ हमारे घर में आकर हमारे मुल्क को ललकारेगा तो उस वक्त एक अलग तरह की प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है और वो प्रतिक्रिया जब हमारे भीतर से नहीं आती है तो लगता है कहीं कुछ मर गया। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे केंद्रीय विश्वविद्यालयों में तिरंगा फहराने की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।